वालेकुम जनाब, मेरा नाम अब्दुल्ला रफ़ी है। आज मैं PACC की दावत पे यहाँ पर हाज़िर हुआ और बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने आज प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं और लोगों को बुलाते भी हैं और काफ़ी हरा भरा करने की ख्वाहिश है। सामने फिर हॉल को हमने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हरा भरा हो जाए और सामने ये पड़ोस में PACC है, ये भी हरा भरा हो जाए। और हरा होना तो सर मखलूक के लिए बहुत अच्छा है। असल बात तो ये है कि मखदूम साहब का शुक्रिया, उनकी दावत, उन्होंने दावत दी हम सब दोस्तों को और हम यहाँ पर हाजिर हुए। और एक बात और भी है, मैं चाहूँगा ये दावत अक्सर देते रहा करें। मैं मखदूम रियाज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और ये मौका दिया हमें। और मैं कराची में आया था तो मैंने PACC में तालीम भी हासिल की थी क्योंकि मेरी नौकरी एयरपोर्ट की थी, वहाँ मुझे अंग्रेज़ी ज़रूरी थी। तो यहाँ का मैं मेंबर भी हूँ और मखदूम रियाज का शुक्रगुजार हूँ, उनकी दावत पे मैं यहाँ आया हूँ। और उनकी इफ़र्ट्स मैंने देखी थी फेसबुक पे, तो फिर मैंने कहा कि अब्दुल्ला रफ़ी को भी बुलाते हैं और ये सारा इवेंट करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम फारूक डाडी है और मैं भी PACC का मेंबर हूँ और मखदूम रियाज साहब जो हैं वो PACC के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं। और मैं बड़ा मशहूर हूँ कि इनकी जो का मकसद एक्टिविटीज़ है बड़े भरपूर अंदाज में, वो एक मुफसल तौर पे जो है PACC को चला रहे हैं और हर शुबे फिक्र के लोगों को मुख्तलिफ इवेंट्स मुख्तलिफ मौजूआत पे करते रहते हैं। और चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो अदब नशस्त हो, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो किताब की रहनुमाई हो, मकसद ये कि तालीम और अदब के हवाले से या शोबा फ़नून लतीफ़ा के हवाले से। तो बहरहाल यह है कि इनकी जितनी भी काविशें और जो भी है इसको हम सराहते हैं और इनकी इन तमाम कोशिशों को हम चाहते हैं कि और मज़ीद आगे बढ़े और हमारा जो भी तआवुन वो चाहते हैं हम उनके साथ हैं। थैंक यू।